अस्सलामुअलैकुम, आई एम ज़रक शाहज़ेब और आप देख रहे हैं ज़रक क्रिएशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड आज मैं आपको एक न्यू मेथड के साथ एंड न्यू तरीके के साथ ग्लास रन बनाना सिखाऊंगा। थंबनेल देखकर आपको पता तो चल ही गया आज हम किस टाइप का ग्लास रन सीखने जा रहे हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस तरह की ट्रिक सीखना चाहते हैं या इस तरह के अच्छे ग्लास रन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। पिक्सल लैब को आपने ओपन कर लेना है, मैंने ऑलरेडी की है, और पिक ऐड करनी है, ठीक है। पिक भी मैंने ऐड कर दी। अब आपने यहाँ पर नेम टाइप करना है, ठीक है। आपने कोई भी नेम टाइप कर लेना, जैसे कि मैं नेम लिखूंगा सारा। सारा नेम लिखने के बाद आपने फ्रेंड इस पे फॉन्ट लगाना है। इस फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये वाला फॉन्ट यूज़ करोगे तो सारे आपने जो लेटर है ना वर्ड, वो आपने कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आना है पैडिंग में, और लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग, और इसकी पैडिंग कर लेनी है। और आपने साइज़ जो है ना इसको अपने हिसाब से इनक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। अपने हिसाब से मैं 110 पर रख रहा हूँ, तो जितना बिगर आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। जैसा कि अब आपने करना कि आपने ए बी लिखना है, और इस पर एक और फॉन्ट लगाएंगे, बोनस आर्ट फॉन्ट का नेम है। इसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपने वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपने कुछ इस टाइप के इसका साइज़ कम ज़्यादा करके इसको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अब आपने फिर कॉपी करनी है, और यहाँ पर आपने लिखना है बड़ा एल, ठीक है। बड़ा एल लिखने के बाद आपने करना कि आपने फिर एक फॉन्ट्स इस पे लगा देना है, उसका नेम है लीव्स फॉन्ट, ठीक है। लीव्स फॉन्ट मैंने लगा लिया है, और इसको थोड़ा सा रोटेट करके आपने यहाँ पे लगा देना है। फिर आपने कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद आपने ये वाला फॉन्ट्स फिर लगा देना है। ये जो स्टाइल बन गया है ना, इसको आपने यहाँ पे रोटेट करके यहाँ पर लगा देना है। अब आपने करना कि आपने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके इसको अल्ट्रा में सेव करना है। यहाँ पर देखना वाइट सर्कल मैंने ऑन किया, जिस जगह पर मैं क्लिक करूँगा आपको वो जगह नज़र आ जाएगी कि इस पर मैंने क्लिक किया है। अब आपने पी एस टच में आना है, ठीक है। पिक्सल लैब का हमारा काम मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो अब आपने पी एस टच में आना है। पी एस टच जिनके पास नहीं चलता, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ से देखकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपने पिक्सल आर्ट वाला फोल्डर ढूंढ लेना है, और सबसे पहले आपने पिक ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ से ये वाला पिक्सल आर्ट वाला फोल्डर मेरा रहा, तो आपने यहाँ से पिक पहले ऐड करनी है। तो मैंने पिक ऐड कर ली है। अब आपने फिर प्लस पे क्लिक करनी है, और फोटो लेयर पे जाना है। आगे ऑप्शन आ गया फोटो लाइब्रेरी का, तो अब आपने यहाँ से पिक्सल लैब वाला फोल्डर ढूंढना है, क्योंकि हमने उससे नेम टाइप किया है। पिक्सल लैब वाला फोल्डर ये आ गया, ये सारा वाला नेम मैंने ऐड कर लिया है। अब आपने फ्रेंड करना कि आपने फर्स्ट लेयर पे क्लिक करके इस प्लस पे क्लिक करनी है, ठीक है। और डुप्लीकेट लेयर दो कर लेनी है, टोटल तीन लेयर होनी चाहिए, तीन लेयर। अब आपने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, और एफ एक्स में जाना है, और यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन में आना है, और इस एरो को पकड़ कर ऊपर ले जाना है ताकि ये फुल ब्लैक हो जाए। अब आपने इस वाले ऑप्शन में आना है, और इस वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ से इसको आपने सिंपली स्क्रीन कर देना है। अब आपने सेकंड लेयर पे आना है, एफ एक्स में जाना है, और ड्रॉप शेडो वाले ऑप्शन में आना है, और इसका जो एंगल है ये आपने कर देना है तकरीबन 100 पे, और जो सेकंड लेयर का एंगल 100 पे, ब्लर 5, और जो डिस्टेंस है ये आपने कर लेनी है 6, ठीक है, और ओके कर देना है। अब आपने इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने आना है लास्ट लेयर पर, ठीक है, और एफ एक्स में जाना है, और बेवल में आ जाना है, ठीक है। और इसका जो ब्लर है ये आपने रखना है 40 पे, और कलर ब्लैक कर लेना है, ठीक है। और जो डिस्टेंस है ना ये आपने 45 रखनी है, और इसका जो एंगल है ना इसको भी थोड़ा सा आपने ज़्यादा कर लेना है 110 पे, ठीक है। और इस पे 4-5 दफ़ा बेवल लगा देना है। एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया, तीन दफ़ा हो गया, चार दफ़ा हो गया, पांच दफ़ा हो गया, मैंने 6 दफ़ा लगाया। आप काम या ज़्यादा लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, मैंने 7 दफ़ा लगा लिया। इसका जो ब्लर है ना ये 0 पे कर देना है, ठीक है, ब्लर फुल 0 पे कर देना है। और जो इसकी डिस्टेंस है ना इसको भी थोड़ा सा आपने ज़्यादा कर देना है, डिस्टेंस ज़्यादा कर देना है, ब्लर 0 एक दफ़ा कर देना, ठीक है। ब्लर 0 पर रखना है, डिस्टेंस 18 पे कर देनी है, और कलर ब्लैक, एंगल जो है ना इसका 110 पे, ओके कर देना है। अब आपने यहाँ से सेलेक्ट पिक्सल कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद आपने एफ एक्स में जाना है, और लाइट टेंट में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे टेंट में आप कोई भी कलर रख सकते हैं, जैसा कि मैं रखूँगा ये वाला मैंने रख लिया। इस पर 3 दफ़ा टेंट लगानी है, 2 दफ़ा हो गई, और ये 3 दफ़ा हो गई, टेंट हो गई। और इसी लेयर को सिलेक्ट किए रखना है, फिर आपने सिलेक्ट पिक्सल वाले ऑप्शन में यहाँ पे आना है, यहाँ पे ये ट्रांसफार्म का ऑप्शन होगा, एक्सपेंड में आना है, और इसको यहाँ पे कर देना है -20 पे, ठीक है, -20 पे कर दिया। अब आपने करना क्या फ्रेंड, आप ये जो
सिलेक्ट पिक्सल हुआ हुआ है ना दरमियान में से, अब इस जगह पे आप कोई भी कलर रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप कलर यहाँ पे। फिर आपने टेंट में आना है और यहाँ पे आप सियान रख सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं, जो कोई भी आप रखना चाहें। मैं जैसा कि ये वाला रखूँगा येलो, थंबनेल पे भी शायद मैंने आपको यही दिखाया है, आपने तीन दफ़ा टेंट लगानी है इस पर। तीन दफ़ा टेंट लग गई, अब आपने फिर करना कि आपने फोटो में आना इस लेयर में और टीवी मीटर में आ जाना है। टीवी मीटर में आने के बाद आपने इसका फुल कर देना है 100 पे और तीन दफ़ा टीवी मीटर भी लगा देना है इस पर। दो दफ़ा होगी टीवी मीटर, फिर आपने तीसरी दफ़ा टीवी मीटर लगा देना है। अब आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर आपने ओल्ड सेपिया वाला ऑप्शन होगा, इस पर आपने आ जाना है। इस पर आपने सेचुरेशन जो है ना इसको 100 पे कर देना है, ठीक है, सेचुरेशन 100 पे कर देनी है। और इंटेंसिटी जो है ना इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर रखना चाहें जितनी मैं रखूँगा इतनी भी आप रख सकते हैं, 100 पे कर देना है। और इस पर दो दफ़ा हो गई तकरीबन, आपने 6-7 दफ़ा, 3 दफ़ा होगी ओल्ड सेपिया, 4 दफ़ा हो गई और 5 दफ़ा हो गई, और यहाँ से सॉरी टीवी मीटर में आ गया हूँ, तकरीबन 7 दफ़ा ये लगानी, 6 दफ़ा हो गई, 7 दफ़ा ओल्ड सेपिया हो गई। अब आपने यहाँ से पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, पिक्सल डी सेलेक्ट हो गया। अब आपने करना कि आपने फर्स्ट वाली लेयर पे आना है, एफ एक्स में जाना है, बेसिक में जाना है और ग्लो में आना है। यहाँ से 0.6 ब्लर और कलर वाइट कर लेना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक डुप्लीकेट कॉपी कर और शेडो की भी एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है। अब लास्ट वाली लेयर की भी एक कॉपी करनी है, और जो कॉपी है ना इसका ब्लेंड मोड यहाँ से ओवरले कर देना है, ठीक है, ब्लेंड मोड ओवरले करके इसको नीचे ले आना है। फिर एफ एक्स में जाना है, बेवल में आना है, और यहाँ से जो ब्लर 0 पे रखा था इसको आपने 10 पे ब्लर को कर देना है, और जो डिस्टेंस है ना इसको कम कर देना है, ठीक है। ये आपने 40 पे डिस्टेंस, 40 कलर ब्लैक की एंगल अगर कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, एंगल भी आप तकरीबन 100 पे कर ले, एंगल 100, डिस्टेंस 40 और ब्लर 10 पे, और ओके कर देना है। यहाँ पे मैं आपको ग्लास फ्रंट दिखा देता हूँ, कितना प्यारा शाइनिंग फुल कलरफुल ग्लास फ्रंट बन गया। अब आपने डन पे क्लिक कर देना। सेव का मैं तरीका आपको बता दूँ, कुछ अक्सर फ्रेंड परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है, उन्हें सेव का कोई नहीं पता होता। और यहाँ पे आपने शेयर पे क्लिक करनी, आगे आएगा सेव टू गैलरी, यहाँ पर क्लिक करना और PNG में से पहले पिक पर क्लिक करनी है, फिर ओके पर क्लिक करना, तो ये सेव होगा। तो फ्रेंड आज का हमारा पास यही ट्यूटोरियल, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। Thanks for watching.